बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी इन विच, आपको उसकी फर्स्ट टर्म गिवन है 11, एंथ टर्म आपको गिवन है 68 और उसका कॉमन डिफरेंस गिवन है 3। आपने फाइंड करना है एन। हेयर ए वन इज इक्वल टू 11, ए एन इज इक्वल टू 68, डी इज इक्वल टू 3 और आपने फाइंड आउट क्या करना है, एन करना है। ठीक है, आपको एंथ टर्म का फॉर्मूला पता है। एंथ टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है आपके पास 68, ए वन है आपको गिवन 11 प्लस एन फाइंड आउट करना है माइनस वन और डी है आपके पास 3। ठीक है, 68 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 को अंदर 1/1 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स के साथ, 3n माइनस 3। 68 इज इक्वल टू 11 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू प्लस 8 प्लस 3n। अब इस 8 को हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 3n, दिस इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 3n, 3n इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर राइट साइड लेके आएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3, सो n हेयर इज इक्वल टू 20। यही हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.